एकता जी, सिंपल सा सवाल ये है कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं और उनके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो आपने अपना रीज़न बताया, लेकिन कुछ बता सकते हैं आप कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं, लेकिन आपने इन्हें क्यों चांस दिया? बहुत सिंपल बात है, आपको पहले भी बताइए। हाँ जी, एक सिंपल बात लाइफ में मैंने सीखी है कि पहले से ही मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं थोड़ी पागल हूँ। सो वहाँ से हमने कहानी शुरू की। मुझे जब इम्तियाज़ सर ने कहानी सुनाई, मैंने ऑनेस्टली उस वक्त मेरे फाइनेंशियली बुरे टाइम चल रहे थे, बिकॉज मेरी दो फिल्में लीक हुई थी, मैंने बीच में फिल्म छोड़ भी दी थी, और मैंने शुरू करने के पहले जब मुझे मेरे मॉम ने ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप वीरे दी वेडिंग कर सकते हो, हम अगर पैसा होगा तो खुद का लगाएंगे, तो मैंने बोला एक और फिल्म है मुझे शुरू करनी है और वो है लैला मजनू। मैंने इम्तियाज़ सर को फ़ोन किया कि एंड ही वॉज इन अ बिट ऑफ अ शॉक, बिकॉज एक ऐसी फिल्म जो फाइनेंशियली वायबल पेपर पे नहीं हो, वो आप क्यों करेंगे जब आपका फाइनेंशियल ख़राब टाइम चल रहा है? तो क्लियरली आप, इसका जवाब था कि मुझे ये स्टोरी पसंद है और ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आता है, और उसने मुझे बहुत दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया है, बट मैंने जो भी गलतियाँ की हैं खुद की हैं, और मैं ऑल माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी अबाउट दैट। अगर मैंने ऑडिशन देखते वक्त कोई ऐसे इंसान को साइन किया होता जो मुझे लगता है लैला या मजनू के रोल में फिट नहीं हो रहा है, बट इज़ अ बिग इंस्टाग्राम स्टार और अ स्टार किड एंड वुड सेल माई फिल्म, आई वुड नॉट बी हैप्पी इन द गट। ये दोनों ऑडिशन में बेस्ट निकले तो इनको रोल मिला, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। Stress. But that's a far lesser stress than a stress of not being honest to your job.